क्या राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे राजपूत? क्या राजपूतों को साधने में कामयाब होंगी वसुंधरा राजे? राजस्थान की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता साबित हुई हैं। वसुंधरा राजे ने साल 2003 और 2013 में अपने दम पर पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछली बार की तरह ही एक बार फिर से वसुंधरा राजे सूबे में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन इस बार राजपूत समुदाय उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दरअसल वसुंधरा राजे ने साल 2003 में परिवर्तन यात्रा और साल 2013 में सुराज संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश में बीजेपी को सत्तासीन किया था। इसी तर्ज पर वो एक बार फिर से विजय संकल्प यात्रा पर निकलने वाली हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी की विजय और वसुंधरा के संकल्प के सामने राजपूत समुदाय सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब ये है कि उनके परंपरागत वोट माने जाने वाले राजपूत समाज का विरोध चुनावी साल में और बढ़ता ही जा रहा है। इस समुदाय की नाराजगी से जातीय समीकरणों में सियासी बिसात पर बाजी उलझती जा रही है। ऊपर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज की सरकार के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी वसुंधरा राजे और पार्टी दोनों पर भारी पड़ सकती है। खबरों की माने तो राजपूत और रावणा राजपूत समाज अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार से नाराज है। इतना ही नहीं, आगामी चुनाव पर आनंदपाल एनकाउंटर और पद्मावती जैसे मसलों का असर पड़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी सरकार के खिलाफ यही समाज अब वादा खिलाफी के विरोध में आंदोलन पर उतर आया है। समाज आने वाले दिनों में गांव, तहसील और जिला स्तर पर बीजेपी धिक्कार सम्मेलन करने जा रहा है। वहीं अक्टूबर में समाज की जयपुर में वसुंधरा धिक्कार रैली भी प्रस्तावित है। खबर है कि इन धिक्कार सम्मेलनों में वसुंधरा मुक्त राजस्थान और कमल का फूल हमारी भूल की शपथ दिलाई जाएगी। यही वजह है कि चुनाव से पहले राजपूतों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजे राजपूतों को साथ पाती हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।